हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तां में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अनायशा और श्रुति में आपस में बातें होती हैं और उसके बाद अनायशा वहाँ से उठती है और कहती है टेक केयर, और अक्ष कहते हैं कि क्या बात है भाभी, श्रुति सही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो अनायशा कहती है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इतना मत सोचो, सब ठीक है। कहते आर यू श्योर ना, अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हो। तो कहती है नहीं बाबा कोई बात नहीं है, तुम इतना मत सोचो, सब ठीक है, और अगर कोई बात होगी तो श्रुति वैसे भी तुमसे डिस्कस कर ही लेगी ना। ये बोल के अनायशा, सना, निशा जो ही सब वहाँ से चले जाते हैं और अक्ष वापस से श्रुति के पास आते हैं और कहते हैं कि श्रुति, तो बोलते हाँ, आर यू ऑल राइट? तो कहते या आई एम फाइन, परफेक्टली फाइन। ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप? तो कहते नहीं बस ऐसे ही। खैर ये लोग वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, बाकी पूरा दिन भी ऐसे ही निकल जाता है, दो तीन दिन ऐसे ही निकलते हैं। अक्ष घर पे ही रहते हैं और श्रुति की देखभाल करते हैं क्योंकि उसे बार बार चक्कर आ रहे होते हैं। तो तीसरे दिन जब उन्हें चक्कर आते हैं तो अक्ष कहते हैं कि श्रुति क्या बात है, कोई बात है तुम्हें इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं? हाँ, तो कहती है वो वीकनेस ज़्यादा है बॉडी में और कोई बात नहीं है, मेडिसिन ली थी तो उसका रिएक्शन गलत हो गया था, मैंने डॉक्टर से बात की थी तो उन्होंने कहा कि वो मेडिसिन का रिएक्शन हो गया और कुछ नहीं। तो अक्ष कहते हैं तो डॉक्टर के पास चलें ना, एक बार चेकअप करा लेते हैं। तो कहती हैं हाँ, मैंने कल की अपॉइंटमेंट ली हुई है डॉक्टर से, तो मैं कल जाऊंगी वहाँ पे। तो अक्ष कहते हैं कि ठीक है, मैं साथ में चलूँगी तुम्हारे, ओके। तो श्रुति कहती है कि क्यों, कल भी आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या, कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हो? तो अक्ष कहते हैं नहीं बाबा, क्या बात होगी जो तुमसे छुपा के चैन मिलेगा मुझे, भाई तुम्हारे लिए कह रहे हैं कि कल आपके साथ चलेंगे। तो कहते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, अपना ऑफिस संभालिए, इतने दिनों से आप ऑफिस की छुट्टियाँ ले रहे हो, जाके ऑफिस देखिए। तो अक्ष कहते हैं बट तुम्हारे साथ भी जाना तो ज़रूरी है ना, ऑफिस के लिए मैं लीव एप्लीकेशन डाल दूँगी यार। तो कहती है बोल दिया ना, इतनी छुट्टियाँ लेना ठीक नहीं है आपके लिए, अच्छे से कमाइए, मेरे खर्चे बढ़ेंगे, ये थोड़े बहुत खर्चे में थोड़ी ना मेरा काम चलेगा, मुझे तो बहुत सारा खर्चा करवाना है आपसे। तो अक्ष कहता है अच्छा बाबा ठीक है। अक्ष कुछ सोचने लगते हैं, उसके बाद श्रुति उन्हें कहती है क्या हुआ, क्या सोच रहे हो आप? तो कहते नहीं कुछ नहीं। एनीवे तो वो दोनों ऐसे ही बैठ जाते हैं वहाँ पर और कहते हैं कि श्रुति तुम मुझसे कभी कुछ छुपाओगी तो नहीं ना? तो श्रुति अक्ष की तरफ देखती है और कहती है आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाने लगी? तो अक्ष कहते नहीं बस ऐसे ही। तो कह रही हैं कि अच्छा दादी से मिले बहुत दिन हो गए, जाए दादी से बात कराएं? तो कहती हैं कि यार दादी के पास जाने का मन तो करता है, अक्ष कहते हैं तो, बट दादी फिर वही गुड न्यूज़ करने लगेंगे, उन्हें क्या जवाब दें भाई हम? तो श्रुति कहती है कि गुड न्यूज़ तो आप तो कह रहे थे ना आपको बीवी चाहिए। तो कहते हैं हाँ कह रहे थे हमको बीवी चाहिए, बट अभी इतनी जल्दी नहीं चाहिए, टाइम चाहिए थोड़ा, इतनी जल्दी बीवी करने का क्या ही मतलब है यार? श्रुति कहती है क्यों आपको बीवी नहीं चाहिए? तो अक्ष कहते हैं चाहिए बीवी, आपसे ही चाहिए मुझे बीवी, आप ही बनोगे ना मेरे बच्चों की मम्मी, हाँ हमारे बच्चों की मम्मी, हाँ मतलब सोचो आप प्रेग्नेंट होंगे, आपका मैं कितना ख्याल रखूँगी, आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रखूँगी, हम लोग ना वो बेबी शावर भी रखेंगे और ठीक है, और वो ना जो शूट कराते हैं ना वो प्रेग्नेंट होने पे, तो वो शूट भी कराएंगे। तो श्रुति कहते हैं आपको बीवी इतने पसंद है? तो कहते हैं मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो श्रुति कहती है कि
ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। अगर मैं कहूँ कि मेरा बीवी का मन है तो दक्ष कहते हैं कि श्रुति थोड़ा वक्त तो चाहिए ना, इतनी जल्दी ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। तो श्रुति कहती है बट टाइम तो ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है ना, अब सभी चाहते हैं तो कर ही लेते हैं। तो अक्ष कहते हैं तुम इतना डेस्परेट क्यों हो बेबी के लिए, मुझे ये तो बताओ। तो कहते हैं देखिए अगर आपको पसंद नहीं होते तो बात अलग थी, आप बेबी चाहते हो, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ और आज नहीं कल तो करना ही है, तो कर लेते हैं। तो अक्ष कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है अभी दादी से मिलना है। तो श्रुति कहती है अभी तो आप मना कर रहे थे, कहते हैं अब मिल ही आते हैं चलो। तो फिर लोग नीचे जाते हैं तो वहाँ ऐसे ही सब लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तो अक्ष कहते हैं और दादी का हाल वाह, तो कहती हैं अरे बचवा तुम हमसे बतिया रहे हो, हम तो हमका एकदम भूल ही गए हो। हाँ तो कहता अरे दादी आपको भूल जाएंगे हम, ऐसा हो सकता है का। कहते हैं अच्छा ई बात छोड़ो जरा, ई बताओ लला हमें खुशखबरी दे रहे हो नहीं दे रहे हो। अक्ष फिर चुप हो जाते हैं। तभी अक्ष की मॉम बोलते हैं कि हाँ हाँ ज़रूर देंगे, और अक्ष एक काम करो दादी और मम्मी देखो जाने को कह रही हैं, रोक लो कुछ दिन। और तो अक्ष दादी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कहा दादी जा रही हो का, कह रहे हैं हाँ बचवा आप खुशखबरी देना तब हम आएंगे वापस, अब बहुत दिन हो गए बहुत दिन रह लिए, अब बिटिया के घर इतना दिन रहना सही नहीं लगता है ना बच्चा, थोड़ा समझा करो। तो कहते हैं दादी कोनो बात थोड़ी नहीं होती है। तो कहते हैं कि क्यों अब फिर आएंगे ना। तभी वहाँ पे श्रुति के पापा भी आ जाते हैं। तो कहते हैं अक्ष अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया, वैसे भी तुम्हारी सासू माँ और दादी सास काफ़ी दिन रह ली हैं, तो फिर किसी फंक्शन पे आएंगे हम लोग। तो कहते हैं कि बट पापा अब आप बर्थडे पे आए थे और आप इस तरह लेके जा रहे हो, ये ठीक तो नहीं लग रहा ना। तो कहते हैं अरे यार तो घर तो अपना ही है ना, इट्स ओके फाइन दोबारा आ जाएंगे लोग, इसमें क्या है। तो सब लोग काफ़ी समझाने लगते हैं अक्ष को। तो फिर अक्ष कुछ नहीं कहते और कहते हैं ठीक है जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे कर लीजिए, बट प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग फिर से जल्दी आएंगे। तो दादी कहते हैं कि हाँ तो लला तुम हमका खुशखबरी देना हम वे दिन चले आएंगे, पूरा 9 महीना यहाँ रह के जाएंगे। तो हंसने लगते हैं, कहते हैं जी दादी जी जल्दी देंगे हम आपको। तो सब लोग अक्ष की तरफ देखने लगते हैं। तभी अक्ष की मॉम उन्हें साइड में बुलाती हैं, श्रुति भी उन अक्ष की मॉम के पास ही खड़ी होती हैं। तो अक्ष उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि जी मॉम कहिए। कहते हैं जरा रूम में आओ तुम और श्रुति। तो श्रुति और अक्ष एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कहते हैं क्या हो गया मम्मी इस तरह बुला रही हैं। कह रही हैं चलो देखते हैं। जाते हैं तो उनकी मॉम बोलते हैं कि अक्ष 20,000 रुपये चाहिए। तो कहते हैं कि मम्मी आपको पैसे दिए तो थे। कह रही वो सुबह सनाने ले लिया तो उसको ज़रूरत थी। तो कहते हैं ओके तो 20,000 किस लिए। तो अक्ष की मॉम अक्ष की तरफ देखती हैं, कहती हैं आज तुम पहली बार मुझसे क्यों पूछ रहे हो किस लिए। तो अक्ष कहते हैं कि सॉरी बट वो सटन ऐसी मुँह से बस। तो कहते हैं कोई बात नहीं अब दादी मम्मी जा रही हैं जो भी है, तो सबकी विदाई कपड़े लत्ते सब शाम को जाएंगे, तो अभी जाके लेके आते हैं उन लोगों के लिए, विदाई तो करनी होगी ना सबके। तो अक्ष कहते हैं तो मैं अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो कहते हैं तो एक काम करना 20 नहीं 30 के आसपास कर देना, क्या पता कम पड़ जाए। तो अक्ष
कुछ कहता है कि मम्मी इतना, तो कहती हाँ तो तुम जाते हो तो क्या? श्रुति कहती है मॉम इतना करने की क्या ज़रूरत है? तो कहती है बस श्रुति, माना तुम्हारे मायके वाले हैं बट मेरे गेस्ट हैं, इस तरह नहीं भेज सकते। तो अक्ष कहता है जी मम्मी मैं ट्रांसफ़र करती हूँ। वो ट्रांसफ़र करते हैं उनके अकाउंट में और उनकी मॉम बोलते हैं कि श्रुति तुम चलोगी साथ में? तो कहती हैं जी मॉम चलते हैं। तो वो अक्ष को भी कहते हैं, तो अक्ष कहते हैं कि नहीं मॉम मुझे थोड़ा ऑफिस का काम है, तो ऑफिस भी नहीं गई हूँ तो मैं घर से ही कर लेती हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है, हर्ष को ले जा रही हूँ। कहते हैं ठीक है। फिर वो लोग शॉपिंग पे चले जाते हैं और अक्ष अपने रूम में आके अपने लैपटॉप पे काम करने लगते हैं और ऐसे ही दिन बीतता रहता है। और करीबन 2-2.5 घंटे बाद श्रुति और उनकी मॉम लौट के आती हैं। उसके बाद श्रुति की तबीयत फिर से ख़राब होने लगती है, तो वो सीधे रूम में आती है और वॉशरूम में चली जाती है अक्ष की तरफ बिना देखे। तो अक्ष उठते हैं, वॉशरूम की तरफ जाते हैं, नॉक करते हैं, कहते हैं श्रुति क्या हुआ तुम्हें? तो कहते हैं नहीं कुछ नहीं, बस गर्मी लग गई बहुत ज़्यादा। कहती हैं इस मौसम में तुम्हें गर्मी लग रही है? तो कहते हैं कि हाँ काफ़ी लग रही है, अभी आती हूँ, बस फ्रेश होने आई थी, बाहर से आई हूँ ना। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे ही आ जाना। तो श्रुति कहती हैं कि ठीक है। अक्ष वहाँ से नीचे चले जाते हैं और अक्ष श्रुति बाथरूम से बाहर आती हैं, अपना फ़ोन उठाती हैं और समिता को कॉल करती हैं। समिता फ़ोन उठाती है और कहती है कि ठीक हो तुम? तो कहती हैं हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकान हो रही थी। तो समिता कहती हैं कि तो तुम अक्ष को कब बता रही हो, बता दो। तो कहती हैं कि बस कल डॉक्टर के पास जाऊँगी, जैसे ही कन्फर्म होती हैं चीज़ें तुरंत बता दूँगी, बट मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है पता नहीं क्यों बताने की। तो समिता कहती है उनसे कब तक छुपाओगी, एक बार बता लो, पार्टनर हैं वो आपके और आपको बताना ज़रूरी है। तो श्रुति कहती हैं कि ठीक है देखती हूँ, बस एक बार डॉक्टर से फिर से बात हो जाए उसके बाद। तो कहते हैं कि चलो ठीक है, ये कह के वो फिर फ़ोन रख देती हैं और वो नीचे आ जाती हैं। वहाँ सबको कपड़े लत्ते दिए जाते हैं, दादी को, सबको, अक्ष को भी कुछ विदाई विदाई जो भी मतलब फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी होती हैं। इसके बाद इन लोगों की विदाई की जाती है, ये लोग घर से चले जाते हैं और अब घर में एज़ यूजुअल पहले की तरह 5 ही लोग रहते हैं, मम्मी पापा हर्ष और अक्ष और श्रुति। काफ़ी शाम भी हो जाती है तो श्रुति डिनर की तैयारी करने लगती है और उनकी मॉम उनकी हेल्प कराने लगती हैं। तो उनकी मॉम श्रुति की तरफ देखते हैं और कहती हैं कि श्रुति एवरीथिंग इज़ ऑल राइट ना? तो कहती है कि हाँ मम्मी, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो कहते हैं नहीं, तुम्हारे फेस का रंग उड़ा हुआ है बिल्कुल, और बहुत थकी थकी लगती हो। तो कहती है कि नहीं कुछ नहीं है मॉम, सब ठीक है। तो सबको डिनर वगैरह कराती है और उसके बाद अपना रूम में चले जाती है। रूम में आके बेड पे लेटती है, तुरंत उसे नींद आ जाती है। अक्ष रूम में पीछे से आते हैं, कहते हैं श्रुति सुनो। देखते हैं कि श्रुति सो चुकी होती है। तो कहते हैं लग रहा है काफ़ी थक गई है, वैसे इतनी जल्दी सोती तो नहीं है, सडन क्या हो गया इसे? खैर वो फिर उसे डिस्टर्ब नहीं करते, वो ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग श्रुति की आँख खुलती है तो वो अक्ष को उठाती है और कहती है ऑफिस नहीं जाना क्या? कहते हैं नहीं ऑफिस नहीं जाना मुझे। तो कहते हैं क्यों? तो कहते हैं कि बस ऐसे ही सोने दो। तो उठाती है वो अक्ष को ज़बरदस्ती और कहती है क्या सोने दो, तो कितने टाइम हो गया तुम आपको ऑफिस गए हुए, जब से बीमार हो तब से ऑफिस नहीं गए हो, अब ठीक हो तो ऑफिस जाओ। तो वो मन में कह रही होती है आप ऑफिस जाओगे तभी तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, आप चाहते क्यों नहीं हो यार? तो वो ज़बरदस्ती करती है। तो फिर अक्ष उठते हैं, जाके फ्रेश होते हैं और श्रुति ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है, अपना बैग वगैरह लेते हैं और नीचे आते हैं। श्रुति ब्रेकफास्ट देती है और देन कहती है कि जल्दी आ जाइएगा शाम को। कहते हैं कि ठीक है।
उसके बाद श्रुति डॉक्टर के पास निकल जाती है दोपहर में। वहाँ डॉक्टर से उसकी अपॉइंटमेंट होती है, डॉक्टर से जो बताती है उसे सुन के श्रुति काफ़ी परेशान हो जाती है, बहुत रोने लगती है वो। और उस समय उसे कुछ नहीं सूझ रहा होता है, तो वो वहीं से समिता को कॉल करती है और कहती है कि समिता कहती है सब ठीक है ना, तो श्रुति कहती है कि नहीं कुछ भी ठीक नहीं है, मैं इनको कैसे बताऊँ कैसे कहूँ सब कुछ। तो समिता कहती है बताना तो पड़ेगा ना, छुपाओगी कब तक, एक दिन तो सब सब सामने आ ही जाएगा। अभी आप ठीक हो ना, कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन मैं इनको कैसे बताऊँगी। तो कहते हैं कुछ नहीं होगा सब ठीक हो जाएगा, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, उन्हें बताओ वो कुछ करेंगे, उन्हें बताओगी नहीं तो कुछ करेंगे कैसे, अकेले कब तक टैकल करोगी, इससे पहले चीज़ें और वर्स्ट हो जाएं आपको बता देना चाहिए अक्ष को। श्रुति कहती कैसे बताऊँ क्या कहूँ उन्हें मैं, कहते हैं देखो बताना तो पड़ेगा, आप नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगी। तो कहते हैं नहीं सुमिता प्लीज़ 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 मैं खुद देखती हूँ आप टेंशन मत लो। कहते हैं पहले आप ये बताओ आप ठीक हो, नहीं तो नायशा भाभी को बुला लो, किसी को बुला लो अपने पास। कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं घर ही जा रही हूँ। तो सोच के वो घर चली जाती है और अक्ष का वेट करने लगती है। तो वेट करते करते डिनर भी रेडी कर लेती है और अनायशा का भी फ़ोन आ जाता है, अनायशा से भी बात करती है, अनायशा भी उन्हें सारी चीज़ें पूछती हैं तो वो बताती हैं। तो अनायशा कहती है कि अक्ष को बता दो, अक्ष को बताना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने उन्हें नहीं बताया चीज़ें और वर्स्ट होती गई तो उन्हें संभालने वाला फिर कोई नहीं मिलेगा, क्या पता वो कुछ कर लें, तो प्लीज़ आप उनको बताओ। तो कहते हैं पता नहीं अभी तक आए नहीं, जबकि इस टाइम तक आ जाते हैं, तो यहाँ लगता ऑफिस में काम होगा कुछ ज़्यादा। कहते हैं हाँ हो सकता है, तो फिर वो फ़ोन कट कर देते हैं और उसके बाद अक्ष का वेट करने लगते हैं, लेकिन अक्ष अभी तक नहीं आए होते हैं, रात के 10 बज चुके होते हैं। श्रुति को टेंशन होने लगती है तो वो बार बार अक्ष को फ़ोन कर रही होती हैं बार बार, लेकिन अक्ष का फ़ोन नॉट रिचेबल जा रहा होता है। श्रुति काफ़ी टेंस्ड हो जाते हैं कि आखिर क्या बात है, फ़ोन भी नॉट रिचेबल जा रहा है, अभी आए भी नहीं है। तो श्रुति उनकी एक कलीग का नंबर होता है उनके पास, तो उनको कॉल करती हैं, वो फ़ोन उठाती है और कहती है कि हाँ श्रुति बोलो। तो कहती है कि हाय कैसे हो आप, ठीक हूँ, थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। उसके बाद श्रुति कहती हैं अक्ष अभी तक ऑफिस में ही हैं क्या, अभी तक घर नहीं आए, आप बात करा सकते हो ऑफिस में। कहते हैं ऑफिस में, अक्ष ऑफिस में कैसे हो सकते हैं। तो कहते हैं मतलब कि अक्ष तो काफ़ी टाइम से ऑफिस नहीं जा रहे हैं और उनकी कंपनी तो बहुत घाटे में चल रही है, तो काफ़ी एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है, उनकी भी जॉब कोई हाथ में नहीं है उनके, और ये बात तो काफ़ी टाइम पहले उन्हें बता दी गई है और वो ऑफिस आ ही नहीं सकते हैं, मैंने भी ऑफिस चेंज कर दिया है ऑफिस, और बॉस ने उनको पहले ही क्लियरली बोल दिया था कि अब ऑफिस में आने की नीड नहीं है, और जो भी उनका हिसाब किताब था सब क्लियर हो चुका है। श्रुति ये सुनते ही एकदम शॉक में चली जाती है, कहती हैं व्हाट, कहते हैं क्यों आपको बताया नहीं अक्ष ने, ये तो काफ़ी टाइम से हो रहा है जब उनकी तबीयत ख़राब थी और उन्होंने छुट्टी ली थी, उसी के तीसरे दिन बाद ही उन्हें बता दिया गया था ये सारी चीज़ें, उसी समय उनका पूरा हिसाब क्लियर कर दिया गया था। अब उसके बाद बॉस और उनकी क्या बात हुई है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि अक्ष की जॉब अब है नहीं, बॉस ने उन्हें बस इतना मेरे सामने जो भी मेल की थी उसमें यही लिखा था कि अगर पार्ट टाइम वो उनकी विदाउट एनी सैलरी हेल्प करना चाहते हैं, सिचुएशन से अपनी कंपनी को निकालना चाहते हैं तो निकाल दें, बाद में जो भी पैसा होगा वो जब बेनिफिट होगा कंपनी को तो वो क्लियरली करके दे देंगे, बट अभी वो कुछ नहीं दे पाएंगे, तो अगर वो कहीं और जॉब सर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो श्रुति कहती है कि ठीक है शायद,
तो कहते हैं अक्ष तो आपको सब कुछ बताते हैं तो फिर इतनी बड़ी बात कैसे, कहती हूँ मेरे घर में मेरी फैमिली थी और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी तो शायद, कहती हाँ तो यही रीज़न हो सकता है कि आपको टेंशन नहीं देना चाहते होंगे इसीलिए नहीं बताया होगा। तो थोड़ी सी बात करके फिर श्रुति फ़ोन कट कर देती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। समिता और अनायशा को कॉल करती हैं और दो तीनों बातें करते हैं तो समिता कहती है कि आपको अक्ष को सब बता देना चाहिए। तो श्रुति कहती है कैसे बता दूँ, उनकी जॉब चली गई है, वो और पैनिक हो जाएंगे। तो समिता कहती है व्हाट, कि हाँ तो ये बातें हमें क्यों नहीं बताई गई है। कहते पता नहीं, सारी दुनिया की परेशानियों का ठेका अकेले उन्होंने ही ले रखा है, कोई चीज़ शेयर ही नहीं करना चाहते और अब मैं अपनी बात उन्हें बताऊं तो कितनी ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे, कहाँ से करेंगे सब कुछ, कहाँ से आएगा पैसा। इसीलिए उस दिन वो मॉम से बार बार हिसाब किताब की बातें कर रहे थे और मैं समझ ही नहीं पा रही थी यार। मैंने एक बार भी गौर नहीं किया कि इन्होंने तो कभी मॉम से या मुझसे या किसी से भी पैसों का हिसाब किताब नहीं किया, ये अब क्यों करने लगे हैं। मैं भी कोई छोटी मोटी चीज़ पे खर्चा करती थी तो मुझे मना कर देते थे कि मत किया करो, मैंने कभी इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया है। और मैं अपनी उलझनों में इतनी उलझ गई कि उनकी उलझन ही मुझे नहीं दिखाई दी। तो समता कहती है श्रुति काम डाउन काम डाउन काम डाउन, तुम्हें स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है और उन्हें नहीं बताओगी, उन्हें कहीं और से पता चलेगा तब प्रॉब्लम नहीं होगी, उन्हें बता दो। तो कहती नहीं मैं नहीं बता सकती, वो और पैनिक हो जाएंगे, कहाँ से चीज़ें करेंगे यार। तो कहते देखो अगर आप नहीं बताओगी तो, अनायशा भी पीछे से बोलते कि अगर तुम नहीं बताओगी तो हम दोनों बता देंगे, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम्हें बताना है या नहीं बताना है। शेज़ और पार्टनर यार, हक है उसका सब कुछ जानने का। कहती और मैं पार्टनर नहीं हूँ, उनकी जॉब चली गई, मुझे जानने का हक नहीं है। कहती है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी उस समय, घर में तुम्हारी फैमिली थी, वो कैसे बता देते सब कुछ। कहते हैं भाभी ये सही है, मुझे अकेले में तो बता सकते थे ना। और कहते हैं वो दोनों उन्हें समझाने लगते हैं कि प्लीज़ बता दो, चीज़ें छुपा के और ख़राब हो जाएंगी। अब श्रुति काफ़ी टेंशन में आ जाती है कि वो अक्ष को कैसे बताए, इस टेंशन में उन्हें और टेंशन दे या नहीं दे, वो ये सब सोचने लगती है। तो आखिर ऐसी क्या बात है जो श्रुति अक्ष से छिपा रही है, बताना भी चाहती है और बता भी नहीं पा रही, और अक्ष की जॉब चली गई है तो और टेंशन हो गई है। तो क्या होता है इस स्टोरी आगे, क्या क्या मोड़ लेती है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।